देख रहे हैं मस्का चस्का टाइम्स। आज जिला गुरदासपुर के शहर कादिया में आज भारत विकास परिषद द्वारा करवाई गई भारत को जानो प्रतियोगिता में सक्सेस पब्लिक स्कूल तथा सरकारी हाई स्कूल बसरावा रहे पहले स्थान पर, जिसमें कादिया तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से करीब 20 स्कूलों ने भाग लिया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए संस्था के प्रधान मुकेश वर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता हेतु कुल 50 प्रश्न दिए गए थे। इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग तथा वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता करवाई गई। तो शुरू तो ही इन्हां दी ट्रेंड रहा है, कादियां विच डॉक्टर कमल ज्योति जी जेडे कि बहुत ही महान शख्सियत रहे ने, उन्होंने इन्हूं संस्था नूं उभारिया सी। अज ओ जिहड़ा दरख्त लगा है उहदे अहीं शाखावां वा, असीं उहदियां शाखावां दे बट उस वेले ज़्यादा उगे सन,
याद रखनी कि कदे भी यह चीज़ महसूस नहीं करनी कि मेरी पोजिशन नहीं आई जो मैं रैंक नहीं आया। तुसी अपने वालों बेस्ट देने की कोशिश की है, यू हैव ट्राइड यूर लैवल बेस्ट टू अचीव दिस सक्सैस, बट अनफॉर्चुनेटली कि तुसी उस ढंग नाल रीप्रजेंट नहीं कर पाए जिस तरह होना चाहिए सी। इस करके कदे भी यह फील नहीं करना, तुहानू पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिते गए ने, वो इसलिए दिते गए ने तां कि तुहाडे मन च यह चीज़ ना आए कि असी इदा जा रहे हैं। ये तो एक शुरुआत है गांह अगे वधन की। सो मैं हूँ DSP साहब को बेनती करा कि दो मिनट लिए आके अपने विचार सांझे करन तुहाडे नाल। जिहड़ा पहलां तुहानूं सारिआं नूं वधाइयां दिंदा वी जिहड़ा भारतीय विकास परिषद जिहड़ी संस्था मानजोग संस्था हैगी है, उन्होंने बहुत वधिया कंपीटीशन कराया ते बहुत सोहणा काम जिहड़ा तुहाडे वास्ते की गया कीता तां कि जिहड़ा जनरल नॉलेज दा उन्हें कंपीटीशन कराया इहदे विच तुसीं की कहिंदा आपस च इक दूसरे नूं कंपेयर कर सको ते नाले देख सको वी कैलीबर किन्ना है, अगे वास्ते होर मिहनत करो। जिहड़ी मेरी एक परसनल नसीहत यही है बेटा भाई, पढ़ना जिहड़ा ना पढ़ाई कदी भी व्यर्थ नहीं जाती, खूब मेहनत करो। कई बार नंबर घट कई बार वध आ जाते हैं, उहदे हल नहीं देखना, अपने दिल तो मन तो साफ सुथरे मन दे नाल पढ़ाई दे विच जिन्नी वध तो वध पढ़ हुंदा पढ़ो, खेलना भी है नाल पर पढ़ाई वल भी ध्यान देना। पढ़ाई भावें तुसीं ग्रैजुएशन आर्ट्स करो, साइंस च करो या किसी भी सबजैक्ट करो, वह तुहानूं फायदा ही देगी, कभी भी नुकसान नहीं देगी। तुसी इत्थे कोई वधिया अफसर बनना है, तुसी कोई इत्थे कंपीटीशन जाना है, तुसी समाज सेवी बनना है, तुसी बाहर किते फॉरेन च जाना है, हर थां ते पढ़ाई ने काम आना है। तो जिदा तुसी आज सोहना प्रदर्शन किया है, बाकी बच्चे भी हो रहे हैं की कहता सारे जी ला के पढ़ो, कभी यह नहीं मन च लैके आना वे की कहता हायो पढ़ना सवेरे पढ़ना शाम को पढ़ना, जिन्ना वध तो वध पढ़ हुंदा 24 घंटे उन्ना पढ़ो। तुहाडे टीचर दे मेहनती टीचर दे, टीचर ने तुहानू कंपीटीशन कराया, देखो क्या सोहना कराया, वो भी पढ़ के टीचर बने हैं की कहता हम तुम सारे मैडम सर कहने तुम चंगा लगता, उन्होंने चंगा लगता सुन। सो अखीर मेरी यही बेनती है कि पढ़ाई का दमन कभी नहीं छड़ना, जिन्ना मर्जी अख्याई आ जाए जो कुछ मर्जी आ जाए सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी चंगे माड़े पासे किसी पासे नहीं देखना। दुनिया बहुत अगाह वधू है, बहुत खराब है, किसी ने कुछ कहूगी कई गलत आंसर है बेच, पर तुसी जिन्ना चिर पढ़ाई वाल पूरा ध्यान दोगे तुहाडा किसी होर पासे ख्याल नहीं जाऊगा। तो अंत दे विच मैं फिर दोबारा तो भारतीय विकास परिषद अगे जो टीचर या स्टाफ है सक्सैस पब्लिक स्कूल का उन्होंने धन्यवाद करदा जिन्होंने की कहता इन्ना सोहना प्रोग्राम कराया तो बच्चों के एक तरह की जागृति पैदा की। धन्यवाद जी। मैं भारतीय बाल विकास परिषद का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू इत्थे आंदे जिया आ और मुख मेहमान वजो सद्या गया, बड़ा वधिया लगा है प्रोग्राम देख के। और जिहड़ी भारतीय बाल विकास परिषद जिहड़ा है कि ये काफ़ी समय तो बच्चों के प्रति स्टूडेंट के प्रति और जिन्ना भी मतलब देखे जाए समाज के प्रति ये काम कर रहे ने, काफ़ी बार मैं इन्हों के नाल टूगैदर काम किया है और इन्होंने अपाहजा वास्ते भी बड़ा वधिया संस्था वा इन्हों को ने जड़े ट्राईसैंगल साइकिल वंडते हैं और इन दे विच हर मंथ राशन भी डिस्ट्रीब्यूट वीडियोज़ नू करते हैं गरीब परिवारों नू करते हैं। तो मैं उन्हां वल्लों भी इन्हों का बड़ा धन्यवाद करती हाँ और स्पैशली मैं अज जो बच्चों का पार्टिसिपेट करवाया गया इन्हां विच भी मैं उत्साह वेख्या है बच्चों के बड़ा वधिया इन्हां दे उत्साह जिहड़ा अवेयरनैस लिया रहे ने बच्चों के प्रति ये बहुत वधिया काम कर रहे ने। और मैं टीचर्स नू भी ये वधाई दिनी हाँ और वधाई का पात्र बनती हाँ कि जड़े बच्चों के नाल इन्नी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों नू इन्नी वधिया शिक्षा दे रहे ने और बच्चों के प्रति पढ़ाई नू लैके अगे चल रहे ने, क्योंकि जड़ी एजुकेशन है ये साड़ी सफलता की चाबी है और बिना एजुकेशन तो असी कुछ नहीं है। हर टाइम जो असी सोचिया जाए तो जो बच्चों के प्रति अं ये कुछ देखते हाँ, पेरेंट्स भी साढ़े जड़े आ अज तो काफ़ी देर पहले साढ़े पेरेंट्स भी सानू कहते हैं पढ़ो तो उदो असी भी आनाकानी करते होंगे सी, पर सानू आज जिस मुकाम ते असी पहुँचे हाँ सानू पता लगा कि वाकई जिहड़ी एजुकेशन आ ये सब तो वड्डी साड़ी सफलता की चाबी है। और सफलता दे विच ये गल हुंदी है कि जे जिस मुकाम ते असी अज पहुँचे है इस मुकाम ते बच्चों तुसी कल पहुँचना है। अज भारत विकास परिषद का जिहड़ा प्रोजेक्ट सी
भारत को जानो उहदे तहत कंपीटीशन करवाया गया है जिहदे विच जूनियर वर्ग अते सीनियर वर्ग दो वर्गों के जिन्हें बच्चे पार्टिसपेट किए हैं उन्होंने पार्टिसपेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं। करीब करीब साढ़े को अज 17-18 स्कूल इस संस्था के पहुँचे सन। सारे बच्चों को पार्टिसपेशन सर्टिफिकेट तो इलावा जिहड़ियां पहलियां तीन पोजिशनों के रहने वाले विद्यार्थियों को सन्मानित किया गया है। साढ़े को विशेष तौर पर उन्होंने सन्मानित करने लिए DSP कादियां जतिंदर पाल सिंह जी ते साढ़े को वूमेन सैल दे पंजाब दे कौंसलर बबीता खोसला जी भी पधारे सन जिन्होंने बच्चों प्रोत्साहन दिता ते नाल ही नाल उन्होंने मोटीवेट भी किया कि भविष्य में वध तों वध मेहनत करन ते जिंदगी में किसी चंगे मुकाम दे विच पहुंचन।